हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ देवझर वाटरफॉल। सो ये कटक डिस्ट्रिक्ट में ही है और भुवनेश्वर से अराउंड 110 किलोमीटर आपको आ जाएगा और एक दिन में आप घूम के आ सकते हो। बहुत सही जगह है, चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए। ये वाटरफॉल ओडिशा टूरिज़्म के अंदर आता है और इसका रोड वगैरह बहुत सही है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। और पार्किंग से आपको चल के जाना पड़ेगा वाटरफॉल तक, 500 मीटर आपको आ जाएगा। हमारा यहाँ पे फिश वगैरह का भी प्लान है, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या कर रहे हैं हम। सही से फिश को अभी धो लिया है, इसमें हल्दी और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सब कुछ मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, 15-20 मिनट। उसको तो पूरा मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और इसके बीच हम मटन को क्लीन कर लेते हैं। मटन आपको बड़म्बा मार्केट से मिल जाएगा। बड़म्बा मार्केट ये वाटरफॉल से अराउंड 30-35 किलोमीटर है और वो बहुत सही मटन मिलता है वहाँ पे। आप तो देख ही रहे हो यहाँ पे पानी वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आपको पीने का पानी चाहिए तो आप नल वगैरह भी है, इसको यूज़ कर सकते हो। मच्छी को फ्राई करने के बाद ये अभी मटन के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी मैं सरसों तेल डाल देता हूँ। तेल अभी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सब खड़ा मसाला डाल देते हैं जो कि मटन को अच्छा फ्लेवर देता है। प्याज को डाल के अच्छे से इसको फ्राई करते हैं, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। प्याज अभी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसके ऊपर चल के ये वाटरफॉल का ओरिजिन दिखाता हूँ। अगर मैं ऊपर जा पाया, वहाँ पे एक केव है, वो आपको मैं दिखाता हूँ।
फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं और ऊपर चल के आपको मैं वाटरफॉल का ओरिजिन और बदेदीधर केव और एक है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ट्राई करते हैं ऊपर जा पाता है कि नहीं, अगर मैं जा पाऊँ पूरा आपको डिटेल दिखाता हूँ। खाने के बाद चढ़ाई करना भाई बहुत ही मुश्किल है भाई। मैं ऊपर तो आ गया, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से ऊपर जाऊँ। ये ऊपर आने के बाद आपको ये सीधा चट्टान जो दिख रहा है वहाँ तक रास्ता है और आगे रास्ता नहीं है, और मैं इसको चढ़ने का कोशिश भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे रात को बारिश हुआ था और बहुत स्लिपरी है, तो मैं कुछ एडवेंचर करने का सोच भी नहीं रहा हूँ, तो मैं सीधे नीचे चले जाता हूँ। और आप अगर आते हो यहाँ पे ये स्पॉट को एक्सप्लोर कर सकते हो और ये केव आप विजिट कर सकते हो, शायद कहीं पे तो रास्ता होगा ऊपर जाने के लिए। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।